अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन सी के बारे में। तो एक वेरिएबल जो होता है वो नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है 2000, हम बात कर लेंगे मेमोरी लोकेशन की। तो हम जो इस मेमोरी लोकेशन को नाम देंगे, फॉर एग्जांपल ए बी सी, इस नाम को हम बोलते हैं वेरिएबल। ईच वेरिएबल इन सी हैज अ स्पेसिफिक डेटा टाइप विच डिटरमाइंस द साइज एंड द लेआउट ऑफ द वेरिएबल्स मेमोरी। तो हमारे जो ये मेमोरी वेरिएबल है, इसके एक स्पेसिफिक टाइप होता है। स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल इस मेमोरी लोकेशन में हम इंटीजर स्टोर करेंगे, डेसिमल वैल्यू स्टोर करेंगे या कोई कैरेक्टर स्टोर करेंगे, तो वो इसका क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक टाइप मेंशन हम करेंगे इसका। और क्या होता है, द नेम ऑफ अ वेरिएबल कैन बी कंपोज्ड ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड द अंडरस्कोर कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए जो है, हम किसी भी मेमोरी लोकेशन को ए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है 200, तो इसको हम ए नाम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, ए है। तो दूसरी मेमोरी लोकेशन हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल 20, 10 या 20, जो भी हम नाम देंगे, इसका एड्रेस देंगे, तो इसका जो नाम होगा वो C1 होगा। या मेमोरी लोकेशन हमारे पास है, उसका नाम हम नेम रखेंगे, इसका एड्रेस विल बी 1000 और समथिंग। तो ये इसके एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप इज द टाइप इन सी दैट रेफर्स द एक्सटेंसिव सिस्टम यूज इट फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, तो वेरिएबल हमें क्या, कैसे पता चलेगा हमने मेमोरी में इस वेरिएबल में या इस मेमोरी लोकेशन जो है हमारे पास, इसमें हमने क्या स्टोर किया है, तो वो स्पेसिफाई करता है डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल अगर हमने इंट, हम डेटा टाइप डिस्कस बाद में करेंगे लेकिन अभी एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिखेंगे इंट वी इज इक्वल 10, जो इंट है वो स्पेसिफाई करता है कि वी वेरिएबल जो है उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर किया जो है वो इंटीजर है। तो ये डेटा टाइप जो है वो स्पेसिफाई करता है कि एक मेमोरी लोकेशन में कौन सा हमने डेटा स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो ईच डेटा टाइप रेफर्स द डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड हैज द सम स्पेसिफिक ऑपरेशन व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ओवर इट, ठीक है। तो हमारे पास तीन मेन टाइप्स के जो डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या हम उनको बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी बोल सकते हैं, जो पहले से ही अवेलेबल होते हैं। दूसरे टाइप के हैं डेराइव डेटा टाइप्स और तीसरा टाइप है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। हमारे पास जो डेटा टाइप है ये हमने पहले ही देखा, हमने डिवाइड है तीन टाइप्स में। पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, फिर दूसरे डेराइव डेटा टाइप्स हैं, तीसरे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ये फर्दर क्लासिफाइड है इंट, कैर, फ्लोट, वॉइड डेटा टाइप में। और जो ड्राइव डेटा टाइप है ये एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर्स एंड फंक्शंस में डिफाइंड है। और जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ये स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप डेफ एंड इनम। ये जो ड्राइव डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं और इनका हम यूज कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है वो हमारे पास चार टाइप्स के, इंट, कैर, फ्लोट एंड वॉइड। तो इंट में हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाती है शॉर्ट इंट की और लॉन्ग इंट की। और जो शॉर्ट इंट है वो फर्दर डिवाइड होता है साइंड और अनसाइंड में। इंट भी फर्दर डिवाइड होता है साइंड और अनसाइंड में। लॉन्ग भी फर्दर डिवाइड होता है साइंड और अनसाइंड में। फिर हमारे पास है कैर, जो हमारे पास डिफाइंड है, फिर से हम इसको कैटेगराइज करेंगे कैर को, साइन कैर और अनसाइंड कैर। फिर हमारे पास फ्लोट है, फ्लोट फिर से डिफाइंड होता है फ्लोट डबल एंड लॉन्ग डबल। एंड उसके बाद हमारे पास है वाइड, ठीक है। अब हमने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी देखी थी साइंड और अनसाइंड। साइंड इज विच टेक्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज एंड अनसाइंड इज विच टेक्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमने जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं हम देखेंगे ये कैसे कितने बाइट्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं और इनका साइज क्या होता है।
इंट जो डेटा टाइप है ये 2 से 4 bytes जो है डेटा स्टोर कर सकता है बेस्ड ऑन द कंपाइलर जो हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट इंट है जो 2 bytes का डेटा स्टोर कर सकते हैं जिसका साइज 2 byte है। फिर लॉन्ग जो है वो 4 byte का डेटा स्टोर कर सकता है। इसी तरह जो कैर है वो 1 byte का डेटा स्टोर कर सकता है। फ्लोट 4 byte का डेटा स्टोर कर सकता है। और डबल जो है वो 8 byte का स्टोर कर सकता है डेटा। लॉन्ग डबल 10 bytes का डेटा स्टोर कर सकता है। तो अब हम देखेंगे हम कैसे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे सी प्रोग्रामिंग में। फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन पहले जो आएगा वो डेटा टाइप आएगा, किस टाइप का डेटा हम स्टोर करेंगे उस वेरिएबल में। फिर वेरिएबल का नाम आएगा, उसके बाद वेरिएबल में जो वैल्यू हमें स्टोर करना होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास डेटा टाइप्स, और तो ये था हमारा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स टॉपिक। होप आपको ये हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।